अपनी गवर्नमेंट हिंदुस्तान को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। बड़ा शुक्रिया है सरकार को। माल मवेशी जो थे वो मर जाते थे और भेड़ बकरवाल जो लोग हुए तो उनको। तो हवा के साथ जो हम टेंट लगाते हैं वो उड़ जाता है। गर्मियां शुरू होते ही जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल समुदाय के लोग अपने माल मवेशियों के साथ डोकों की तरफ चले जाते हैं और गर्मियों तक वहीं पे रहते हैं। जब सर्दियां शुरू होती हैं तो वो एक बार फिर डोकों से अपने घरों की तरफ रुख करते हैं। पिछले कई वर्षों से इन लोगों की एक मांग थी कि रास्ते भर में उनके लिए शेल्टर शेड बनवाए जाएं ताकि जब वो डोकों में जाते हैं तो इन शेल्टर शेड्स में वो अपने माल मवेशियों के साथ रुक सके, क्योंकि अक्सर तेज बारिश या बर्फबारी के दौरान इनके कई मवेशी मारे जाते हैं। ऊपर से जंगली जानवरों का भी खतरा इनके मवेशियों को रहता है। इसके लिए ये बरसों से मांग कर रहे थे कि जब वो अपनी डोकों की तरफ जाएं तो रास्ते में रुकने के लिए इस तरीके के शेल्टर शेड होने चाहिए ताकि जब वो अपने मवेशी या अपने परिवार के साथ वहां पे पहुंचे तो इन शेडों में वो रुक सके ताकि उनका कोई नुकसान ना हो। वहीं इस बार जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है उसके लिए जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों के लिए डोकों और चारागाहों के रास्ते में शेल्टर शेड बनवाने का प्रपोजल रखे जाने पर गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों में काफी खुशी का माहौल है। मंडी गुजर बकरवाल एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी नसीर हुसैन ने जब हमसे बात की तो उनका मानना था कि जब भी हम अपनी डोकों में जाते थे तो हमारा काफी नुकसान होता था। इस बार हमने सुना है कि बजट में हमारे लिए अलग से पैकेज रखा गया है, ये सुनकर हमें काफी खुशी हुई, क्यों अगर रास्ते में इस तरीके के शेड्स बन जाते हैं तो हमारे लिए काफी फायदेमंद होगा। इससे ना तो हमारे मवेशी का नुकसान होगा ना हमें किसी तरह की परेशानी होगी कि हम जब भी हम जाते हैं तो हम अपने परिवार के साथ और अपने सभी बाल मवेशियों के साथ जाते हैं तो अक्सर हमें कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता था। हर बार मैदानों से पहाड़ों पर जाते समय मौसम की मार बारिश बर्फबारी से हमारे आधे से अधिक मवेशी मारे जाते थे, कई बार हमारे लोगों की भी मौत हो चुकी है। अब शेड बन जाएंगे तो हमें काफी राहत मिलेगी। इसके लिए हम केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं और उन्होंने ये भी मांग की कि रास्ते भर में डिस्पेंसरी भी होनी चाहिए, हमारे साथी कोई बीमार हो तो उनका इलाज भी हो सके। पेशा मंडी से जहीर आबास की ये रिपोर्ट। सबसे ज्यादा परेशान उनको तब आता था जब वो रास्ते में जाते तो किसी प्रकार का कोई शेड या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण उनको कई कठिनाई का सामना करना पड़ता था। आपको बता दें जब भी ये समुदाय अपने साथ जाते हैं अपने बच्चों को भी और अपनी पूरी फैमिली को साथ लेके जाते हैं। आज हम पहुंचे हैं तहसील मंडी में और हमारे साथ गुजर एंड बकरवाल के यहाँ के जो प्रेजिडेंट हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि पहले किस तरीके के परेशानी का सामना करना पड़ता था, अब जो सरकार ने बजट जो लाया है उससे इनको किस तरह की जो सहूलियत मिलेगी। सर ये बताएं, पहले आप डोकों में जाते थे तो किस तरीके की परेशानी आती थी, अब जब केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से एक बजट लाया गया है उसमें रास्ते भर में आपको वो शेड बना के देंगे ताकि जाते समय आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, तो क्या कहना क्या है?
मैं सबसे पहले अपनी गवर्नमेंट हिंदुस्तान को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जिन्होंने ये गुज्जर बकरवाल लोग जो हम जो पहाड़ियों पर जाते हैं या ग्रेस जाते हैं या कश्मीर के एरिया में अपना माल मवेशी लेकर जाते हैं, तो उन मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक आर्डर किया है कि इन लोगों के लिए, हमारे बकरवाल लोगों के लिए शेड बना के रास्ता में ये जहाँ जहाँ हम पड़ाव रखते थे, जहाँ एक दो दिन गुजारते थे, वहाँ पड़ाव के लिए हमें शेड बना के दिए जाएंगे। इसका मैं गवर्नमेंट हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि सबसे पहले जो हमारी ज़िंदगी थी, हम चलते थे, हमारे ऊपर जिस वक्त भेड़ बकरियाँ जाती थी पहाड़ों पर, तो वहाँ बारिश, बर्फ़ और ज़्यादा बारिश से नुकसान हो जाता था, भेड़ बकरियाँ मर जाती थी, घोड़े मर जाते, इंसान नुकसान हो जाते थे। तो इसके लिए ये बहुत एक अच्छा कदम गवर्नमेंट ने उठाया है कि हमारे लिए ये शेड बना के देंगे, और हमें ये भी मैं डिमांड साथ में करता हूँ कि शेड तो देंगे, साथ में हमारे लिए वो डिस्पेंसरियाँ भी होनी चाहिए, डॉक्टर भी होनी चाहिए, और हर पड़ाव पर हमारे लिए वह सहूलत हर किस्म की होनी चाहिए। हम इसका गवर्नमेंट हिंदुस्तान को की बहुत सराहना करते हैं और उनको मुबारकबाद। जी मारा पारों टोक में जी था मार जी नेजा पर नुकसान हो जाता, बड़ा नुकसान हो जी था। तो अब सरकार ने एक फैसला लिया है, उन्होंने बजट में स्पेशल जो पैकेज रखा है जम्मू कश्मीर के लिए कि जब भी आप ऊपर जाओगे आपके लिए शेड बनाए जाएंगे, तो कितनी खुशी महसूस हो रही है? जी बड़ी खुशी है जब हमने सुने हुए गल, बड़ा शुक्रिया है सरकार को। तो हम यह भी कहाँ के डॉक्टर भी देना हमारा, तो बड़ी शुक्रिया होना होगा, बड़ी खुशी है हमने ये गल सुन। इस फैसले से हमें बहुत खुशी हो रही है। पहले हम जब डोकू में जाते थे तो हमारे माल मवेशी जो थे वो मर जाते थे, और ठंड की वजह से भी और बारिश की वजह से भी, और इसमें जो ये गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है ये बहुत अच्छा है, हम उनका वेलकम करते हैं, शुक्रिया करते हैं। सर जी बहुत अच्छी बात होगी, अगर शेड बनाएंगे तो बहुत सारे जो रास्ते में चलने वाले भेड़ बकरवाल जो लोग हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होगा, आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब हम जाते हैं कश्मीर में तो रास्ते में बर्फ़ पड़ी होती है, तो हवा के साथ वो जो हम टेंट लगाते हैं वो उड़ जाता है, फिर ऐसे ही रात गुजारनी पड़ती है। तो अब सरकार के इस फैसले से खुश है? सर बहुत खुशी है, अगर छठ बन जाए तो अच्छी बात है। जैसा कि इनका कहना है कि जो केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार ने यह फैसला लिया है कि गुजर एंड बकरवालों के लिए जो डोकू में जाते हैं उनके लिए एक स्पेशल पैकेज रखा है उन्होंने कि उनके लिए शेड बनाए जाएंगे, इस फैसले से पूरे समुदाय में काफ़ी खुशी का माहौल है, और उनका कहना है कि अगर जल्द से जल्द ये शेड बन जाएंगे ताकि अगली बार जब हम अपने डोकू में जाएं तो उन शेडों में रुक सकते हैं, जिससे इनके मवेशियों का काफ़ी नुकसान जो पहले होता था अब नहीं होगा। मंडी से कैमरामैन ज़ीर आबास के साथ।